हाय फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में बात करेंगे अगर आपका डिजी मेल का पासवर्ड जो है भूल चुके हो तो इस वीडियो में बताएंगे आप डिजी मेल का पासवर्ड कैसे फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि मेरे साथ ऐसे हो चुका है, अभी अभी मैं पासवर्ड भूल चुका है। मैं ब्राउजर में सभी पासवर्ड सेव रखता हूँ, लेकिन ब्राउजर जो क्लियर किए थे डाटा क्लियर, जिसके कारण सबका पासवर्ड जो खो गया है तो याद नहीं है। तो चलिए अभी हम पासवर्ड फॉरगेट करेंगे, इसका पासवर्ड नया बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम है या फिर आ सकता है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। तो आपको आ जाना सबसे पहले इसके ऑफिशियल साइट में CSE के, ठीक है, register.cse.gov.in, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहां आने के बाद आपको माय अकाउंट में क्लिक करना है। अब यहां जैसे अकाउंट में क्लिक करोगे, यहां देखिए आपका आधार नंबर और आईरिस या फिर फिंगरप्रिंट्स तो सभी के पास होता है, फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करोगे, ये कैप्चर डालोगे और सबमिट में क्लिक करोगे। तो चलिए हम पटापट डालते हैं। हाँ, और एक बात, उससे पहले और एक बात सुनते जाइए। मान लो अपना डिजीमेल का पासवर्ड अभी तक आप चेंज नहीं किए हो, ठीक है, CSE ने जो दिया था आपके मेल में वही पासवर्ड अभी तक है आपका और भूल गए हो, कभी चेंज ही नहीं किए हो लेकिन पासवर्ड भूल चुके हो, तो आप दोबारा कैसे निकाल सकते हो? 2 साल पहले आया था डिजीमेल का पासवर्ड डिजीमेल, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पर से। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा बात है, लेकिन बहुत सारा वैली ये नहीं ध्यान देता है इस बात में। तो यहाँ आपको अपने जिस मेल में आया था डिजीमेल का पासवर्ड और आईडी, उसमें सर्च बॉक्स में लिख देना है डिजीमेल, ठीक है, ऐसे लिख के आपको सर्च कर देना है। ठीक है, आप जैसे सर्च करोगे तो डिजीमेल का जो भी नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, चाहे वो 2 साल पहले हो या कभी भी हो, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ देखिए एक नो रिप्ले का ऑप्शन है, इसको हम खोल के देखते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन आया है, हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए ये कब आया था, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 2017 को आया था, अभी कितना चल रहा है 2019, ठीक है, तो लगभग 2 साल पहले ये नोटिफिकेशन आया था लेकिन अभी भी है। तो डिजीमेल का आईडी यहाँ देखो, पासवर्ड यहाँ देखो, अगर आपने चेंज नहीं किया था तो ये पासवर्ड यहाँ से उठा के डाल सकते हो, आपको फॉरगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी जब हम फॉरगेट करेंगे तो यहाँ अपना आधार नंबर डालोगे, फिर फिंगरप्रिंट्स या फिर जो भी आपके पास वो सिलेक्ट करोगे, ये कैप्चर डालोगे। तो चलिए कैप्चर डालते हैं और आधार नंबर डाल के सबमिट में क्लिक करते हैं। अब यहाँ सबमिट में क्लिक करेंगे, आप जैसे ही सबमिट में क्लिक करोगे आपका जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक कैच करेगा, कैच करने के बाद आपका फिंगर्स लगेगा, फिंगर्स लगाने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, ब्राउजर जो है नया वर्जन है, चलिए ठीक है, काम कर रहा है। चलिए इसमें चेकमार्क लगाते हैं और कैप्चर में क्लिक करते हैं। अब देखिए फिंगरप्रिंट आ चुका है, अब देखते हैं होता है कि नहीं, यहाँ टाइम ले रहा है, देखिए ये प्रोफाइल खुल चुका है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे आपका आईडी यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड, आप पासवर्ड चेंज करना है, आपको फॉरगेट करना है, तो यही एक ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो, अगर आपका डिजीमेल का आईडी भी आपको यहाँ दिखाई देगा, देखिए डिजिटल सेवा में आप क्लिक करोगे तो आपका डिजिटल सेवा का जो आईडी है वो दिखाई दे रहा है। अगर आप वो पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ देखिए उसका ऑप्शन आ रहा है कि आप ओल्ड पासवर्ड आपको लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम अभी डिजीमेल का चेंज करेंगे, तो डिजीमेल वाला यहाँ पासवर्ड बना लेते हैं, डाल दिए, फिर से वही पासवर्ड यहाँ कन्फर्म करना है। अब यहाँ देख सकते हो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, अब डालने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है, सेम डालना है। सबमिट में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए इनवैलिड इनपुट कैप्चर ये बोल रहा है, तो मैंने कुछ गलत डाला है इसलिए नहीं हुआ है। तो चलिए फिर से हम डाल देते हैं और एक बार, फिर से कोई ना कुछ गलती हो जाता है, तो चलिए फिर से हम डाल दिए और फिर से यहाँ क्लिक करते हैं। तो चलिए इस बार कंफर्म हो चुके हैं, क्योंकि ये यहाँ मैंने जो रिक्वायरमेंट लिखा है वो हम नहीं पढ़े थे। अब चलिए फिर से हम सबमिट में क्लिक करते हैं, अब देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाला यहाँ देखिए हो चुका है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है डिजीमेल पासवर्ड चेंज एंड कम्प्लीट सक्सेसफुली, तो आपको कैसे रखना है पासवर्ड, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। चलिए हम आपको लिख के दिखा देते हैं एक, ताकि आप गलती ना करो। यहाँ साइज बढ़ा कर लेते हैं, मान लो आपका नाम है सुनील, तो आपको कैसे पासवर्ड देना है, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एस बढ़ा देना, फिर सब छोटा सुनील, फिर कुछ डिजिट दे देना, मतलब 1 2 3 इस तरह का। ठीक है, तो चलिए हम 00 दे देते हैं। अब एट द रेट दे सकते हो लास्ट में, या फिर पहले, या फिर बीच में कहीं भी दे सकते हो, या फिर एट द रेट नहीं रहते हो तो आप हच दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हो, एक सिक्योर पासवर्ड। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ लॉगिन करके देखते हैं, पहले लॉगिन नहीं हो रहा था क्योंकि पासवर्ड हम भूल गए थे। चलिए हम दिखा देते हैं एक बार, और 3 दिन से मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब पासवर्ड फॉरगेट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था इसके, तो जिसके कारण 3 दिन लेट हो गया। तो चलिए अभी फॉरगेट कर चुके सक्सेसफुली, हम लॉगिन करते हैं, डाल दिए पासवर्ड, यहाँ सेव कर दिए या चेकमार्क लगा दिए ताकि ये सेव रहे। ठीक है, मतलब सेव हो जाए ब्राउजर में नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए देखिए अब लॉगिन हो गया है, अब देख लेते कोई नया नोटिफिकेशन आया है क्या नहीं, यहाँ सेव कर दिया, अब ये ब्राउजर में सेव हो गया। तो चलिए फाइनली लॉगिन हो चुका है, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया ये 2 दिन में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, और भी इसी तरह की जानकारी चाहते हो तो चैनल से जुड़ सकते हो। तो मिलते फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।